कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने और शिवराज सरकार के बनने के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने आज इसे काला दिवस के रूप में मनाया है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने हाथों में काले झंडे, पोस्टर और गुब्बारे लेकर अपना विरोध जताया। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व विधायक अध्यक्ष एनपी प्रजापति सहित तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेसियों का कहना है कि आज से 100 दिन पहले भाजपा के लोकतंत्र की हत्या की थी, इसी के विरोध के स्वरूप आज काला दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि आने वाली 24 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी और भाजपा को जनता इसका करारा जवाब देगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के पश्चात भी मंत्रिमंडल का गठन वो नहीं कर पाए हैं, और जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो 8वें दिन भारतीय जनता पार्टी के जो मेढक थे वो उचक रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार नहीं बन पाएगी। जब सरकार बनी वो सरकार ने जो है जनता के लिए काम करना शुरू किया, तो उसी टाइम ये बीजेपी के लोगों ने पैसे के दम पर सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई, और आज उस मंत्रिमंडल का फेरबदल इसलिए नहीं कर पा रहे कि अगर जिस दिन वो मंत्रिमंडल का के अंदर जो है गठन करेंगे उसके पश्चात उनके अंदर जो है विस्फोट हो जाएगा। 8 गुट जो है भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, इस वजह से जो है वो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। इस समय जब कोरोना के साथ साथ जो है महंगाई से लेकर हर एक समस्याएं जो है देश के अंदर जो है सर उठाई हुई है, उन पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की आम जनता भी काला दिवस मना रही है। लोकतंत्र की हत्या का घृणित पाप होते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। संविधान का गला घुटते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। भ्रष्टाचार के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने मानव तस्करी की, विधायकों की खरीद फरोख्त की, और उसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। अपनी भुजाओं में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, 5-5, 6-6 राज्य एक साथ हारे हो नरेंद्र मोदी, तुम समझ गए हो कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में दम नहीं है। मैंने कहा कि काहे को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो भाई, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब अडानी अंबानी जैसे लोगों को ठेका दे दो जो इस देश की नीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की तो औकात नहीं है कि देश की नीतियाँ बनाए, पेट्रोल डीजल के भाव अडानी अंबानी तय करते हैं, नीतियाँ अडानी अंबानी बनाते हैं। एक को राजस्थान सरकार गिराने का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र सरकार, किसी को छत्तीसगढ़ सरकार गिराने का ठेका दे दो, काहे को वोटिंग करवाते हो। बिल्कुल एक चीज और है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह है, आम जनता का उत्साह है, आप भी समझते हैं कि जब पत्रकार आते हैं, जब न्यूज चैनल के कॉरेस्पोंडेंट आते हैं, तो इस तरह का वातावरण बनते ही है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी झलक भी वो लोग देख लें जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सज्जन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धार जी।